अगली कक्षा का संचयन जो पुरान पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक का नया लेसन हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है अमित खान। बच्चों इसके लेखक हैं एस के कोडिकार। ये मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनकी जो रचना है इस रचना में किसान मजदूर इनके वेदनाओं का वर्णन हमें मिलता है। उसी के साथ जाति धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को यहाँ पर प्रस्तुत करने में एस के कोडिकार सक्सेस हुए हैं। उन्हें कामयाबी मिली हुई है। बच्चों इनकी कहानियों में विश्व बंधुत्व का दर्शन हमें मिलता है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं हमें था इस पाठ में भी इसी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच उनके हृदय में धड़कने वाली एकता को यहाँ पर उन्होंने दर्शाया हुआ है। लेखक की जो भावनाएं हैं उसी भावनाओं से हमीद खां की भावनाएं एकाकार हो गई है और इसी तरह से इन दोनों का जो यहाँ इन दोनों के बीच हमीद खां और लेखक दोनों के बीच यहाँ पर जो संबंध एकता का संबंध स्थापित हुआ है उसी का वर्णन लेखक ने अपने इस हमीद खां के पाठ में हमें दिया हुआ है। तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं हमारा लेसन हमीद खां को। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि तक्षशिला में लेखक गए थे तो तक्षशिला पाकिस्तान में ही आने वाला इलाका है। तो बच्चों लेखक तक्षशिला घूमने गए थे। वहाँ के जो पौराणिक खंडहर जो हैं उसे देखने के लिए वो तक्षशिला गए थे। वहाँ पर मीलों चलने के बाद जब वो एक गांव में पहुँचे तब वहाँ कड़ी धूप में पैदल चलने के कारण लेखक को तेज भूख लगी थी। लेकिन वहाँ पर आसपास कहीं भी कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर सारी तंग गलियाँ थी और चारों तरफ कूड़ा कचरा और मक्खियाँ वहाँ पर दिखाई दे रही थी और जो तगड़े पठान थे वो इधर उधर घूमते हुए लेखक को दिखाई दे रहे थे और ऐसे ही तंग गलियों से गुजरते हुए लेखक को एक जगह पर चपाती सेकने की महक आती है और उसी से खुश होकर उस महक की तरफ चलते चलते उन्हें दूर से हमीद खां की होटल दिखाई देती है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां पर अंगठी यानी जो चूल्हा वहां पर जलाया गया था उसे अंगठी कहते हैं। उस अंगठी पर वह आदमी चपातियां सेक रहा था। लेखक बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें बहुत ही भूख लगी थी और ऐसे में उन्हें वहाँ पर कोई भी होटल नहीं नजर आ रही थी। तो ऐसे में ही हमीद खां की इस होटल को देखकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगे। होटल के बाहर सामने आते ही लेखक ने वहाँ पर उन्हें पूछा कि भाई यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उन्हें होटल के अंदर तशरीफ करने के लिए कहा। तो इस तरह से लेखक होटल के अंदर बैठ गए। इस हमीद खां के होटल के बाहर ही एक तख्त पर उनके पिता हमीद खां के पिताजी हुक्का पीते हुए बैठे हुए थे। हमीद खां ने लेखक को देखते ही उन्होंने पहचाना कि यह पाकिस्तानी तो नहीं दिखाई दे रहा है। उसने उसके बारे में पूछताछ की और कहा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब लेखक ने अपना परिचय वहाँ पर उस हमीद खां को दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं मालाबार भारत के मालाबार से आया हूँ और मैं यहाँ पर तक्षशिला के खंडहरों को देखने के लिए यहाँ आ गया था। मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ पर कोई भी होटल दिखाई नहीं दे रहा है और आपके इस रोटी की मेहनत से मैं यहाँ तक चला गया, मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से एक हिंदुस्तानी और एक मुस्लिम होटल में आ गया है खाने के लिए। इस तरह
हमारे हिंदुस्तान में या इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे मालाबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के जो त्यौहार होते हैं उससे भी मिलजुल कर मनाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में मालाबार में हिंदू मुस्लिम के झगड़े ना के बराबर हैं, यानी होते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो उसने हमने मालाबार के बारे में हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन यानी रिश्तों के बारे में जब उसने कहा तो हमें कहा तो एकदम ही हैरान सा हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था लेखक के कि इस तरह से हिंदुस्तान में होता है, हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं। और इसके साथ साथ लेखक ने हमें कहा ये भी कहा कि भाई हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी है और बढ़िया पुलाव अगर खाना है तो हम मुस्लिम होटल में ही जाकर खाते हैं। तो ये तो सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ हमें खा को। और हमें खाने हमें खा को बड़ा उत्सव हुआ क्योंकि उसके होटल में पहली बार कोई हिंदू खाना खाने के लिए गया था। उसने तुरंत अपने जो नौकर था उसे इशारे द्वारा बुलाया और उसे लेखक के लिए खाना परोसने के लिए कहा और उसे कहा कह दिया कि चर्च से जाकर एक अच्छा बर्तन धोकर उसमें पानी लेकर आ जाओ, थाली लेकर आ जाओ। और यहाँ पर तो खाना सिर्फ सालन और चपाती है। लेखक ने कहा भाई कुछ भी हो लेकिन मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो इस तरह से हमिद खा के नौकर ने सालन चपाती लाकर उसे दे दी, बाद में राइस भी उसे लाकर दे दिया। तो इस तरह से पेट भर के खाना खाने के बाद लेखक और हमिद खा के बीच में जो ये संवाद चल रहे थे उससे हमिद खा को लेखक के बातों पर भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि सचमुच हिंदुस्तान में इस तरह से हिंदू और मुस्लिम का संबंध है। उसे यह बात बहुत ही आश्चर्य लगी क्योंकि बच्चों पाकिस्तान में इस तरह से हिंदू भी रहते हैं लेकिन कभी वो मुस्लिमों के होटल में कभी खाना खाने नहीं जाते हैं और ना ही कोई मुस्लिम हिंदुओं के होटल में। तो इस तरह से उनके मन में इन दो जातियों के प्रति धर्मों के प्रति बहुत ही कट्टरता दिखाई देती है। और इससे ही हम इनका लेखक को कहते हैं कि भाई आप जो अपने मालाबार के बारे में आप हिंदुस्तान के बारे में आप बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ एकता से रहते हैं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगर यही बात काश मैं आपके हिंदुस्तान में आकर अपने आँखों से उस नज़ारे को देखता। तो इस तरह से यहाँ पर हमिद खान ने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो इसी विचार से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हमिद खान जैसे कई लोग हैं जिनके मन में इस तरह से एकता की भावनाएं निर्माण होती है कि उन्हें भी इस तरह से कोई भेदभाव नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम के प्रति। और इसी तरह से यहाँ पर एक लेखक हिंदुस्तानी और उसकी भावनाएं और एक हमिद का जो मुस्लिम है पाकिस्तानी है उसके भावनाएं वहाँ पर एक रूप हुई है और दोनों के विचार मिलजुल गए थे। और उसमें से इन दोनों की बातचीत से यही पता चलता है कि उन दोनों को भी यह एकता निर्माण करनी है और उन्हें इसी तरह का वातावरण उनके पाकिस्तान में भी चाहिए था। तो इस तरह से हमिद खान बड़े ही खुश हुए और उन्होंने जब लेखक का खाना वगैरह खाने के बाद लेखक जब अपने खाने के पैसे देने के लिए हमिद खान के पास गए तो हमिद खान ने उनसे पैसे नहीं लिए, पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेखक ने कहा देखो भाई यह जो पैसे न लेने की बात अलग है, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो। हमिद खान ने कहा कि भाई साहब आप तो मेरे मेहमान हैं और आपने तो इतने आदरता के साथ मेरे यहाँ पर आकर होटल में खाना खाया है, पहली बार कोई हिंदुस्तानी मेरे होटल में आकर खाना खा रहा है और मेरा आपके ऊपर बहुत ही विश्वास है। आपने जो भी कुछ बातें आपके मुल्क की कही है उससे तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ और मैं मेहमानों से कभी
लेखक को लौटा दिया, वो इसलिए कि जब उन्होंने पैसे लौटाए तब उन्होंने लेखक को यही कहा कि देखो भाई साहब, जब आप हिंदुस्तान जाओगे वहाँ पर किसी मुस्लिम होटल में जाकर बढ़िया चाय या पुलाव खाना, मुझे और उसे खाते समय मुझे याद करना। तो इस तरह से उन्होंने उसे पैसे वापस दे दिया और यही पैसे उस होटल में दे दिया, दे देना तो वो मुझे मिले जैसे ही होंगे। तो इस तरह से हमीद खान ने लेखक के ऊपर भरोसा किया और उससे अपना मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी तरह से की उन्होंने और उसका सम्मान भी उन्होंने किया। तो यहाँ पर बच्चों यही है कि मुल्क में हर एक लोगों के बीच में इसी तरह से दंगे फसाद निर्माण करने का काम यहाँ पर कुछ लोग करते हैं। तो ऐसी ही बात जो हुई थी, जो तक्षशिला में आग अजनी लगी थी। आग अजनी का अर्थ है कि जो आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, तो इस आतंकवाद में ही ऐसे जाल बोल आग वगैरह लगाने का काम करते हैं, ऐसे ही आतंक फैलाने का काम वहाँ पर किया गया था। और इसी तरह इसीलिए वहाँ पर सिर्फ जब लेखक तक्षशिला से वापस आ गए थे, उस तक्षशिला से वापस आने के बाद लेखक का ना हमीद खान के साथ कोई संबंध आया और ना ही उन्होंने कभी हमीद खान से बात करने का प्रयास किया। मगर हमीद खान से हुई मुलाकात और हमीद खान के यहाँ पर खाया हुआ खाना, यह बात लेखक अपने दिमाग से भूला नहीं था। उसके स्मृति पटल पर यह बात बहुत गहराई तक बसी हुई थी। और इसी तरह से कुछ वर्ष के बाद जब लेखक अखबार पढ़ रहा था, तब उसने तक्षशिला की उस आगजनी की खबर पढ़ने पर उसे तुरंत याद आ गए उस हमीद खान की, कि अरे उस तक्षशिला के बाजार में तक गलियों में उस मेरे हमीद खान जो मेरे दोस्त थे, जिसने मुझे मेरे कड़क धूप में जब मुझे भूख लगी थी उस समय उसने मेरे भूख को मिटाने का क्षम करने का काम उस हमीद खान ने किया था और उसने मेरी मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी तरह से की थी। तो इस तरह से उसे हमीद खान की याद आई और उसके अचानक हाथ अपने ईश्वर की तरफ बढ़े और उसने अपने ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, उस पाकिस्तान में तक्षशिला में रहने वाले मेरे हमीद खान की दुकान की होटल की रक्षा करना, क्योंकि वहाँ पर जो आतंक मचा हुआ था, आगजनी मची हुई थी, उससे मेरे हमीद खान का होटल बचा रहे। तो ये रही यहाँ पर हमदर्दी, ये रहा एक दूसरे के प्रति विश्वास। तो बच्चों इस पाठ में तो हमने यही सिखाया है कि लेखक एक हिंदू है और हमीद खान एक पाकिस्तानी होते हुए भी उन दोनों की भावनाएं यहाँ पर मिली जुली और उनके दोनों के जो बातचीत थी, उन बातचीत से संवाद से हमें यही पता चल रहा था कि हमीद खान के मन में भी हिंदू और मुस्लिम एकता की एकता ही उसे चाहिए थी, क्योंकि वो सब मिलजुल कर रहे, यही वो भी चाहता था। तो इसी तरह से लेखक ने अपने इस पाकिस्तानी मित्र के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है और यही यहाँ पर विश्व बंधुत्व का संबंध स्थापन करने के लिए हमें यहाँ पर दिया है। दूसरी बात हमें यह भी समझ में आ जाता है कि लेखक जब भूखे थे तब उन्होंने हमीद खान के यानी एक अनजान जगह पर वो गए थे, एक अनजान बस्ती थी, अनजान लोग थे, अनजान धर्म के थे, जहाँ पर बहुत ही अलग तरीके के अनुशासन के नियम थे। ऐसे जगह पर लेखक को हमीद खान ने यानी हमीद खान ने लेखक को किस तरह से अपने होटल में प्रवेश दिया, उसका कारण यही है कि बच्चों लेखक का हसमुख चेहरा, लेखक ने हंसती हुई यानी हसमुख अपने चेहरे पर हंसी लाई और बड़े आदर नम्रता के साथ उन्होंने हंसते हुए अपने उस मित्र के साथ जो भी कुछ बातचीत की, इससे उसे ये सब रिलेशन यानी उनकी रिश्तेदारी वहाँ पर मित्रता की बन गई। तो बच्चों याद रखो, जब हम कहीं किसी अनजान जगह पर जाते हैं, अनजाने लोगों के बीच जाते हैं, तो अपनापन वहाँ पर लाने के लिए हमारे पास हंसी होना बहुत ज़रूरी है। यही हंसी जो है वो हमारा एक ऐसा साधन है जो लोगों को बहुत करीब लाती है, विश्वास संपादन करने के लिए भी वो हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो यही इसी बात के ऊपर लेखक को
पाकिस्तान के तक्षशिला में हमीद खां के होटल में खाना मिला और इसी हमदर्दी से लेखक ने भी अपने इस मित्र को हमीद खां को याद रखा और उसकी दुआ भी उन्होंने की थी। तो इस तरह से यहाँ पर आज का जो हमारा हमीद खां का पाठ है, उस पाठ में हमने लेखक का तक्षशिला में क्यों गए थे इसके बारे में जानकारी ली, हमीद खां की दुकान कहाँ पर थी ये हमने देखा, तथा भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है, किस तरह के विचार वहाँ पर रहते हैं, कि कैसे वहाँ पर हिंदू और मुसलमान रहते हैं लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम होटल में नहीं जाते और ना ही मुस्लिम कभी हिंदुओं के इस होटल में नहीं जाते, वो दोनों एक दूसरे के कट्टर है, उनके विचारों में ही वो विरुद्धता वहाँ पर लाई हुई है, इसीलिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति सिर्फ क्रोध है, गुस्सा है। आगे हमने देखा है कि लेखक की मेहमान नवाजी हमीद खां ने किस तरह से की और हमीद खां के द्वारा लेखक का सम्मान, यानी जब वो पैसे होटल खाना खाने के बाद जब उन्होंने पैसे देने के लिए गए तो उन्होंने अपने घर आए हुए मेहमान से जैसे पैसे नहीं लेते हैं वैसे ही उन्होंने हमीद खां ने लेखक को अपना मेहमान समझा और उससे पैसे लेने से इनकार किया, लेकिन लेखक के कहने पर उन्होंने किस तरह से उनको हिंदुस्तान में जाकर किसी मुस्लिम होटल में खाना खाने के लिए कहकर वो पैसे वहीं पर देने के लिए कहा। तो आखिर में हमने यही देखा कि हमीद खां का शुभचिंतक लेखक, कि लेखक हमीद खां के शुभचिंतक कैसे बने, कि जिस तरह से बड़े दिनों के बाद जब आगजनी की खबर पढ़ते ही लेखक को उत्साहित था, सिर्फ हमारे बीच में जो भी कुछ विचारों की या एक दूसरे के प्रति जो बताए गए जो बुराइयाँ हैं उसे अगर हम साक्षात वहाँ पर जाकर अपने जो गलत फहमी है उसे अगर हम दूर करेंगे तो ये एकता बनी रहेगी और जाहिर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो जाएगा और उनकी दूरियाँ मिटाने का यह एक लेसन बहुत ही अच्छी तरह से है, क्योंकि आज भी हमीद खां के जैसे कई लोग वहाँ पर हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम एकता को वो चाहते हैं। तो बच्चों के पाठ कैसे लगा, इस पाठ को ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ो तो आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यही पर हमारा आज का हमीद खां यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।